बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट, आर्थिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारे देश में तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से आर्थिक नियोजन को अपनाया गया था। इसमें सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके सफल क्रियान्वयन हेतु आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। आर्थिक नीति का अर्थ आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सूत्रों को आर्थिक नीतियां कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार आर्थिक नीति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आर्थिक नीति शब्द का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में सरकार की उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिनका संबंध उत्पादन, वितरण एवं उपभोग में जानबूझकर अधिक सरकारी हस्तक्षेप से होता है। आर्थिक नीति की कतिपय विशेषताएं हैं जिनमें प्रमुख है, पहली है विस्तृत विचारधारा। आर्थिक नीति की विचारधारा विस्तृत होती है, इसमें सभी नीतियों का समावेश किया जाता है जिनसे देश का आर्थिक विकास होता है। दूसरा है मार्गदर्शक सूत्र। ये नीतियां सरकार को आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शक सूत्र के रूप में कार्य करती है। तीसरा बिंदु है इसका व्यापक शब्द। इस आर्थिक नीति में कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्यिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, रोजगार नीति, जनसंख्या नीति इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। चौथी विशेषता है विभिन्न नीतियों में समन्वय। देश के आर्थिक विकास के लिए इन सभी नीतियों में समन्वय किया जाता है ताकि किसी प्रकार का असमंजस न रहे। पांचवा इसकी विशेषता है आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में आर्थिक नीति महत्वपूर्ण होती है। यह एक सुविचारित नीति है, यानी पहले से ही नीति पर विचार किया जाता है, प्राथमिकताओं निर्धारित की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उसमें आई कमियों को दूर करके विकास के कार्य किए जाते हैं। यह नीति प्रशासन तंत्र का मार्गदर्शन करती है। सरकार का कार्य जन कल्याणकारी होता है। जन कल्याण की नीतियां बनाने के लिए आर्थिक नीतियां प्रशासन तंत्र का एक मार्गदर्शन करती है। विशिष्ट उद्देश्यों एवं निश्चित कार्यक्रम इन नीतियों में अपनाए जाते हैं। प्रोत्साहित करने व नियमित एवं नियंत्रित करना भी इस आर्थिक नीति की एक विशेषता है। सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों से आर्थिक नीति प्रभावित होती है। अब हम आर्थिक नीति के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। आर्थिक नीति के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिसमें से पहला है आर्थिक विकास में वृद्धि करना, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। इस प्रकार की नीति बनाएंगे जिससे हमारे देश के जो अल्प विकसित या विकासशील की प्रक्रिया में है वह शीघ्र ही विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। दूसरा उद्देश्य है नियोजित विकास पर बल देना, फोकस ऑन प्लान डेवलपमेंट। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात से ही आर्थिक नियोजन पर विशेष बल दिया गया है। नियोजन में सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं, पंचवर्षीय नीतियां बनाई जाती हैं। इन नीतियों में विभिन्न क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाती है, किस क्षेत्र में विकास करना है उसका हम लोग विशेष बल देते हैं। तीसरा इसका उद्देश्य है आर्थिक विषमता को कम करना। देश में जो आर्थिक विषमता है उनको
आर्थिक नीतियों के माध्यम से उनमें समानता प्राप्त करना है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विषमता हो सकती है, व्यक्तियों में आर्थिक विषमता होती है। इस प्रकार से विकास किया जाएगा कि जो राज्य पिछड़े हैं उन राज्यों को प्रगति के मार्ग पर आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। चौथा उद्देश्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, उसी के अनुरूप हमारे देश की आर्थिक नीतियां बनाई जाती है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का स्थल प्रदान किया जाता है। देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समन्वय स्थापित करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया हमारे देश में आरंभ हो चुकी है। पांचवा उद्देश्य है आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़े लोगों की प्रगति पर ध्यान देना। देश में गरीब और पिछड़े लोग की संख्या बहुतायत है। इन आर्थिक नीतियों में ऐसे लोगों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे इन लोगों की प्रगति आगे बढ़े। छठा उद्देश्य है देश के औद्योगिक विकास की गति को तेज करना। किसी भी देश का विकास उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है, इसीलिए इन आर्थिक नीतियों में औद्योगिक नीति के माध्यम से देश के औद्योगिक विकास की गति को तेज किया जाता है। सातवां उद्देश्य है निर्यात में अभिवृद्धि करना, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। हमारे देश में निर्यात की अभिवृद्धि करने के लिए निर्यात नीति एक्सपोर्ट पॉलिसी निर्धारित की जाती है। इसमें हम हमारे देश में उत्पादित परंपरागत एवं नवीन पदार्थों का निर्यात करते हैं। इस नीति का आठवां उद्देश्य है कृषि का तीव्र विकास करना। कृषि का तीव्र विकास में हम लोग कृषि कृषक व कृषि उत्पादन से संबंधित नीतियों का निर्धारण करते हैं। इस नीति का नवा उद्देश्य है पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर बाद में दसवां उद्देश्य है देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की समस्याओं से दूर रहकर देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे, ऐसी इस नीति में बनाया जाता है कि आर्थिक स्थिरता के साथ विकास किया जा सके, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। एक अन्य उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर भी इन नीतियों का आर्थिक उद्देश्य हो सकता है। आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, देश में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायुयान परिवहन, संचार, बांध, इन पर अधिक खर्च कर किया जाएगा ताकि देश का आर्थिक विकास में ये सहयोग कर सके। इस नीति का एक अंतिम उद्देश्य है विनिमय दर में स्थायित्व लाना।